बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। भाइयों और बहनों, टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और ये इनको बचाने के लिए ये जांच में रोड़े अटकाते हैं और दिन रात मोदी को गालियां देते हैं। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।
आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी।